हाँ हाँ और चचा हॉर्न दे रहे हैं, सुना ही नहीं देता है क्या? और अपन मस्त सीधा सीधा निकल जाते हैं बस। किसी का एक्सीडेंट हुआ है यार, गाड़ी पूरी फूट गई है, ट्रक लेके जा रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम्। हे नमस्कार, दोस्तों, श्रीकाल आप सभी को। आज अभी टाइम हो रहा है 2:30। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, पता है 2:30 यानी कि बहुत ज़्यादा लेट होता है। और भाई लेट इसलिए हुआ हूँ बिकॉज़ बारिश बहुत थी आज। मेरा कैमरा ना यार टूट गया है, जिससे मैं अभी मोटर ब्लॉग कर रहा हूँ। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू गो टू चर्च गेट, क्योंकि हमारा जो मेन कैमरा मार्केट है और चर्च गेट में ही है। अब कैसा है कि मैं ऑलरेडी सबके साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में हूँ, जो भी जिनसे भी मेरी पहचान है, शॉप्स वालों से, जितने भी हमारे डीलर्स हैं उन सबसे मेरी बातचीत होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर आपका काम है देन यू ओनली हैव टू यू नो बी देयर। वो आपके काम के लिए यहाँ तक आपकी हेल्प नहीं करेंगे यार, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो भाई एक तो मेरे घर से ना लंबा बड़ा होता है ये रास्ता। बाय द वे इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो क्या कर रहे हो यार, डू सब्सक्राइब। बिकॉज देखो मुंबई अभी अनलॉक हुई है एंड वील मेक सच मोर व्लॉग्स इन फ्यूचर एज वेल। तो यार आप लोगों का सब्सक्राइब करना बनता है। 68 की स्पीड पे इतने दिनों बाद अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस की नाकाबंदी है लेकिन काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। सर जो है, सर को बड़ी स्पीड में जाना था तो सर ने बहुत तेज भगाया। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट और नॉट, बट जस्ट लुक एट दैट, फील्स लाइक मुंबई की स्काईलाइन है, जो कि नहीं। बाय द वे आज मैंने ना बहुत सारी डिजास्ट्रस मूवीज देखी, और भाई अभी ना जब यहाँ पे बादल देख रहा हूँ ना तो अंदर से वही फीलिंग आ रही है डिजास्ट्रस। बट ठीक है, विल बी सेटल सून। रोड के बीच में गाड़ी लगा के खड़े हो जाते हैं, दे एक्सपेक्ट अस टू बी आई डोंट नो इंसान। बाय द वे मैं बता देता हूँ कि मेरे कैमरे के साथ क्या हुआ है, ठीक है? वरना आप लोग बोलेंगे कि भाई तुमने तो बताया ही नहीं तुम्हारे कैमरे के साथ हुआ क्या, तो सिंपति किस बात की। तो मेरे कैमरे का मेन क्या पता है, देखो वाटर प्रूफ कैमराज होते हैं राइट, मेरा कैमरा वाटर प्रूफ है। लेकिन इसका एक फंडा क्या पता है, जब आप माइक लगाते हो ना मेरे कैमरा में, तो माइक लगाते टाइम इसके एक साइड में एक होल है जो मुझे हटाना पड़ता है। अब भाई उसके हटाने की वजह से ना उसके अंदर अभी डायरेक्ट पानी जा सकता है, और वो जो कवर था उसको, वो कैसा था पता है, वो कैमरे से अटैच ही रहता था लेकिन यार अचानक उड़ गया। एक होता है ना कि आप लोग चीज़ों को नया ले सकते हो राइट, मैं नहीं ले सकता। द रीज़न बीइंग कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो चाइना का है, एंड यू ऑल नो गाइस कि चाइना को हम लोगों ने कितना ज़्यादा बैन करके रखा है, तो चाइना ने भी इंडिया को काफ़ी हद तक बैन करके रखा है, तो जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिलीवर नहीं हो सकते। हाँ जी, तो कहाँ पे हम लास्ट टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया को पाकिस्तान ने, इंडिया पाकिस्तान हमेशा नाम पे आता है ना, ये हमेशा वाली चीज़ है, तो ये नाम पे मुंह पे पहले रहती है। तो क्या सीन हो रहा है कि इंडिया जो है उसको चाइना ने भी बैन करके रखा है, तो यहाँ पर जो डिलीवरीज आती थी वो डिलीवरीज उन्होंने बंद करके रखी है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं जो है वो ऑर्डर कर नहीं पा रहा हूँ सामान। और भाई अगर ऑर्डर कर भी देता ना तो मैं बताता हूँ, एक $7 का खाली इसका कवर है, ओके $7 का, चलो कोई नहीं, एक गरीब आदमी कैसे भी करके वो मैनेज कर भी लेगा, ठीक है $7 का कवर। अब $7 के कवर पर आपको क्या लगता है कि कितना शिपिंग चार्जेस होना चाहिए, ठीक है आपके ऊपर छोड़ता हूँ, गेस कर लिया। अब मैं बताता हूँ शिपिंग चार्जेस कितना है पता है, $21 भाई, 21, 7, 14, 21, 3 आ जाते हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है यार, इन लोगों को $21 का लगाना ही है, $21 का लग ही रहा है। एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, मुंबई में सब ऐसे एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि भाई जब आगे वाला मेरा जा ही नहीं रहा है, ये चल ही नहीं रहा है, तो पीछे वाला मेरा और मेरे पे हॉर्न मारे जा रहे हैं कि चलो चलो चलो, हाउ एम आई सपोज टू यार ओवरटेक हिम अगर वो मेरे सामने पूरा रोड ब्लॉक करके रखा है। तूफान के आने के बाद ना बहुत जगह नुकसान हुआ था, जिसमें से मुंबई के आधी से ज़्यादा जगहों से कचरा और
ये सारी चीज़ों को हटाया तो अभी तक गया ही नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे मैंने ऐसे ट्वीट देखे हैं जिनके ऊपर कंप्लेन थी कि सर आपने अभी तक बीएमसी वालों ने कोई कचरा हटाया नहीं, लेकिन कर रहे हैं यार, क्योंकि तूफान का जो नुकसान था ना वो काफ़ी सीवियर था। एंड मुंबई इज़ नॉट अ स्मॉल प्लेस, आजू बाजू में देख सकते हो कितने सारे पेड़। मुझे बड़ा मज़ा आता है पता है, जब कोई मतलब एकदम स्कूटी पे रह के जब पावर हो एकदम शहनशाह वाला, तो इट मेक्स मी फील गुड कि भाई उनके अंदर कुछ तो बात है, इट इज समथिंग। सिग्नल पे किसी का ध्यान ही नहीं है, सिग्नल निकलने के बाद जो स्पीड में भगाते हैं ना, ओके, वन ऑफ द डेंजरस प्लेसेस एक्सीडेंट होने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे मैं गिरा, मेरे बैग का एक भी सामान मेरे पास नहीं होएगी, मेरे पास मेरा खाली एक चीज़ जो होएगी वो मेरा मैं ही, बाइक भी गायब होएगी, बस क्या पता मेरे को भी उठा के लेके जाए, मेरी किडनी विडनी भेज दे, भरोसा नहीं भाई। दिस इज़ वन ऑफ द डेंजरस प्लेसेस, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द डेंजरस एरियाज यू कैन गो। बोलना, हाँ, MSK चैनल है, गूगल कर। कभी भी कोई भी अगर आपको ऐसे रोकने की कोशिश करे तो मत रुकना भाई, दिस कुड बी वन ऑफ द डेंजरस थिंग्स जो हो सकती है। मैं यहीं ठीक हूँ, ट्रैफिक में ही ठीक हूँ, लोगों के बीच में ही ठीक हूँ भाई, क्या किया जा सकता है, ज़रूरी है। और चचा हॉर्न दे रहे हैं, सुना ही नहीं देता है क्या? देखो सर्वाइवल स्किल आदमी के पास होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सर्वाइवल स्किल आदमी के पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे को पता है ये एरिया ख़राब है, यहाँ पर भले ही नहीं, चलो उस बंदे के इंटेंशन से ही होंगे, लेकिन ये एरिया बहुत ख़राब है, मैं यहाँ पर किसी का ट्रस्ट नहीं करता। और अपन मस्त सीधा सीधा निकल जाते हैं बॉस, अच्छा लगता है यार सीधा सीधा निकलने में। डोंट टेल मी बारिश आई। वैसे भी बड़े टाइम से ट्रैफिक में मैं आया नहीं हूँ यार। लोगों को अलग अलग चीज़ों की याद आती है पता है, किसी को याद आती है भाई देखा जाए तो अपने दोस्तों की, अपने यारों की, अपने गाँव की। मुंबई वालों को याद आता है ट्रैफिक, ये उनका टिपिकल नाम के अंदर ही है ट्रैफिक। मुंबई बोला यानी कि ट्रैफिक, सीधा पहला नाम लोगों के सामने यही आता है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है यार, गाड़ी पूरी फूट गई है, ट्रक लेके जा रहे हैं। दुआ करता हूँ यार किसी को चोट ना लगी हो, लेकिन इसके लिए एक सर्विस आती है पता है, आप लोग वो सर्विस ले सकते हो। सर्विस लो, उसके बाद क्या है, वो गाड़ी सीधा उसके अंदर लॉक हो जाती है, ट्रक के अंदर खतरा रहता है, ट्रक के अंदर जो है वो खतरा रहता है, तो बंदा जो है वो ठीक से ये नहीं कर पाता। मुंबई का इतना प्लेजेंट वेदर जल्दी नहीं था, अभी अभी हुआ है। और भाई सीरियसली बोलता हूँ, 5-6 दिन हो गए आई एम इन लव विद मुंबई, आई हैव ऑर्डर्ड अ थिंग फॉर माई बाइक, अभी वो अगर लग जाएगा तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और थोड़ा सा आसान कैसे होगा, आई विल टेल यू गाइज, एक एक इंच से जो है वो मेरा हैंडल थोड़ा सा ऊपर होगा, एक एक इंच से, नॉट दैट मच, बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है यार, ये क्या है मेरे हैंडल ना काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। इट इज़ नॉट एन एडवेंचर बाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स एन स्पोर्ट्स टूरर, तो स्पोर्ट्स टूरर कैसी होती है, एक आइडियल पोजीशन पे आती है। अब मेरी हाइट है 5'10", ठीक है, अब 5'10" के हिसाब से भाई ये मेरे को ना थोड़ा ऐसे झुक के चलाना पड़ता है। अभी अगर जब मेरा ये आएगा ना हैंड बार राइजर आएगा, तो हैंड बार राइजर आने के बाद जब हम लोग लंबी राइड करेंगे या नॉर्मल राइड पे भी जाते हैं, तो आई विल बी समथिंग लाइक दिस। बड़े टाइम बाद कैमरा मार्केट आया हूँ यार, इट जस्ट फील समथिंग डिफरेंट, अच्छा लग रहा है, थोड़ा अलग भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है पहली बार आया हूँ। रिप्लाई नहीं आया सर आपका, कहाँ मिलेगा, कुछ आइडिया है? अच्छा मेरे को खाली ये इसका स्क्रीन का कंसोल मिल सकता है क्या? सो फाइनली अभी मैंने जो चीज़ ली है दैट इज़ ये एक्स्ट्रा मैंने मॉड लिया है। अब मॉड क्यों लिया है, बिकॉज क्या होता है, देखो इंस्टा 360 का एक फ़ायदा है कि दैट यू हैव
टू लेंसेज। अब मेन फंडा क्या है पता है कि ये वाला मॉड, देखो इंस्टा 360 लेने का मतलब यही होता है कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा लेंसेज वगैरह होते हैं। तो मेरा जो लास्ट वाला था वो राइड में टूट गया एज यू गाइस नो, तो ये एक बचा है, एक अपना यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये अभी रहेगा। इसका ये वाला कवर गया और अब ये वाला कैमरा लगा है। तो अभी जो राजस्थान वाली राइड आएगी वो राइड जरूर देखना, आपको समझ में आएगा, इतनी फील आएगी क्या बताऊँ। पहले सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे कोरोना में हाथ नहीं मिलाना चाहिए बट स्टिल थैंक यू सो मच। सबसे पहले यस, तो ये हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं सारा जो भी यहाँ का ताम झाम है, देन आगे चलते। लेने दो चीज आए थे, मिली एक। कैमरा मार्केट से निकल रहे हैं, देख सकते हो सारा बंद हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब हम निकलते हैं, लेकिन जाते जाते हम जो है आपको अलग व्यू देंगे। अलग व्यू कैसे, मैंने आप लोगों को हज़ार बार बताया भाई कि जब भी मैं चर्च गेट आता हूँ तो आता हूँ मैं चूनाभट्टी साइड से, लेकिन जाता हूँ मरीन लाइन से। अब मरीन लाइन से क्यों जाया जाता है, क्योंकि जाने का रास्ता वही है यार मरीन लाइन से। सो आई गो फ्रॉम दैट, काम के चक्कर में पूरा रास्ता ही बंद करके रखा है। लेकिन एक बात है यार, जो कोई भी यहाँ पर रहता है ना उसके मज़े बड़े होते हैं। रोज़ सुबह उठो, जाओ मरीन लाइंस, मज़े करो। सत श्री अकाल भाजी, किदा सारा कुछ वधिया? जब भी कोई मिलता है अच्छा लगता है यार, एकदम ऐसे दिल पे आवाज़ ही आती है कि अपने अपने लोग हैं। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त के लोग, बस बारिश ना आ जाए वरना यहाँ पे अभी 40,000 का हो जाएगा भोग। बारिश आ रही है, बारिश की हल्की हल्की छींटें आ रही है एक्चुअली। और ऐसे तो देखो मेरा कैमरा जो है वो प्रोटेक्टेड ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ होता है। ओ बादल आ गया, बादल आ गया, बादल आ गया। सामने देख सकते हो भाई क्या बादल दिख रहा है, क्या बादल दिख रहा है। सही टाइम पे अगर निकल जाए ना यहाँ से तो ठीक है, क्योंकि मुंबई जो है मुंबई एकदम पास पास में ही आता है इसी मौसम के। तो अगर बारिश आई तो आई वोंट बी एबल टू शो यू एनीथिंग। ये जो पानी है सीधा छाती पे लग रहा है, भीग के जाना सही नहीं है, कहीं ना कहीं रुकूंगा, ऑब्वियसली रुकना ही पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल आगे क्यों जा रहा हूँ, बारिश के मौसम में सामने का सीन जो देखने का मज़ा आता है ना वो कहीं नहीं आता। इसके लिए मैं जा रहा हूँ, सामने वाला आपको सीन दिखाऊंगा। अभी तो एक्चुअली पूरा बंद है, पूरी पुलिस वालों की नाकाबंदी लगी है, पूरा पानी जो है वो आगे तक भरा हुआ है, आगे तक भाई यानी कि एकदम टॉप तक भरा हुआ है। पब्लिक घूम रही है, मज़े ले रही है, किसी के पास मास्क नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सीन एक नंबर है भाई। यू शेप्ड कुछ लगाने वाले हैं क्या? तो यहाँ देख सकते हो ये पूरा खुला ही है, ये पूरा खुला है। और यहाँ पर एक्चुअली ना ये यहाँ से ब्रिज बनेगा, यहाँ से जो ब्रिज जाएगा वो जाएगा मीरा भाईंदर, मीरा भाईंदर तक जाएगा भाई। मुंबई का मस्त वाला कोस्टल रूट बनेगा यहाँ से भाई। मुझे तो बहुत इंतज़ार है उस रोड का, एक बार वो रोड जल्दी बन जाए। क्या है अगर बाइक वालों को अलाउड हुआ, देखो अभी फ़िलहाल तो सारे कार वालों को अलाउड होता है मुंबई सीलिंग पे, वली सीलिंग पे। मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसों में मुझको आहों में भर लो। देख रहे हो कितना सेक्सी लग रहा है, एकदम मौसम एकदम इतना प्यारा प्यारा है ना सामने। मैं कसम से बोलता हूँ अगर रुक सकता ना तो यहाँ पर रुककर जरूर फोटो लेता, क्योंकि मुंबई का गहना, मुंबई का नेकलेस जिसको बोलते ना ये वो है भाई। और लगता भी है एकदम मस्त सेक्सी। सामने अभी बोट वाले चल रहे हैं, बस जिस इंसान के पास जो चीज़ होती है ना वो उस चीज़ को छोड़कर हर चीज़ को अप्रिशिएट करता है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास डोमिनार है, मैं डोमिनार को छोड़ के मैं टाइगर को अप्रिशिएट करता हूँ, राइट। मेरे पास इंस्टा 360 है, मैं उसको छोड़ के मैं गोप्रो को अप्रिशिएट करता हूँ। और मुंबई का ये जो प्रोजेक्ट था बहुत पहले चालू हो गया था, मतलब इसके प्लानिंग वगैरह बहुत पहले चालू हो गई थी, लेकिन बहुत सारे इश्यूज आ गए कि सी लाइफ का क्या होगा, जो सर्वाइव कर रहे हैं जैसे मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उनके साथ क्या होगा। तो उन सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए, फिर एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना थोड़े टाइम के लिए उसको थोड़ा डिले कर दिया गया। और फिर ये प्रोजेक्ट एक्चुअली 1996 में शायद प्रपोज किया गया था, या 1986 में समथिंग। लेकिन एक बात है, जब से मुंबई अनलॉक की खबर सबको पता चली थी, आई थॉट कि कैमरा मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, ठीक है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कैमरा मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जैसा कि देखा मैंने वीडियो बनाई 360, तो अब वो कैमरा मैं क्या करूँगा पता है, 360 वाला वो यहाँ पे माउंट कर दूंगा एक्स्ट्रा। अभी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास जो है वो मेमोरी कार्ड नहीं थी, तो यहाँ पर लगा के कुछ फ़ायदा ही नहीं था, रिकॉर्ड तो मैं कर ही नहीं पाता था। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो अभी जो वीडियो वगैरह बनेगी ना वो बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत एकदम
सुपर्ब लगेगी यार, वही तो चाहिए। ये है यहाँ का बीच, पूरा खाली, पूरा एम्प्टी। और अभी कल ही शायद सारे जो बीच के गार्ड्स हैं उनको एमटीवी दी गई है, ठीक है, एमटीवी दी गई है, वो शायद यहाँ पर दिखेगी। अच्छा लग रहा है यार, मुंबई में भी अपग्रेड हो रहा है भाई। लेकिन कुछ भी बोलो, इस मौसम का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं करता, मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ, लेकिन सीरियसली इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर मेरे पास मीडिया का कार्ड होता ना तो मैं आता यहाँ पर घूमता। आई मीन लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा तो गलत फ़ायदा मैं भी उठा सकता हूँ ना यार, तो मैं भी ऐसा कुछ गलत काम करता थोड़ा थोड़ा आपके लिए। दिखता है मुझे वो आसमान, वाओ वाओ, जाऊं मैं इस आसमान पतंगों की तरह। हाँ।